बागेश्वर में परिषदीय परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन 71 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। पहले दिन हिंदी के प्रश्न पत्र को देखकर परीक्षार्थी बेहद खुश नजर आए। परीक्षार्थियों ने कहा कि हिंदी का प्रश्न पत्र बेहद सरल आया था। उन्होंने कहा कि सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से ही आए थे, साथ ही मेहनत के अनुरूप पेपर आने से भी बच्चे काफी खुश नजर आए। बच्चों ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह प्रश्न पत्र आने की उम्मीद जताई है। इधर मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाओं की शुरुआत हुई है। सभी 51 केंद्रों में उड़न दस्ते और सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने निरीक्षण किया। हिंदी का पेपर था और बाकी सब बढ़िया गया। सिलेबस से आया था, जितना भी आया था ऑल क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। मतलब जितना भी पढ़ा उतना आया ही, लगभग करके ही आया सारा पेपर। और आज का पेपर बहुत अच्छा गया। आपका पेपर से आप खुश हैं, आगे को भी ऐसा रहेगा ऐसी उम्मीद है? जी सर। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप इसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए? कर ही रहे हैं सर, मेहनत ही कर रहे हैं। हमारा आज हिंदी का पेपर था और हमारी मैम ने जितनी कोशिश की थी हमें पढ़ाने के लिए, हमारा भी मैम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो हमने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेंड किया और हमें बहुत अच्छा लगा ये पेपर देके। और आगे भी मतलब ये है कि हम पूरी तरह अच्छे वो मार्क्स लेके अच्छे नंबर से पास हो। हमारे मैम लोगों का इसमें ज़्यादा सपोर्ट है हमारे लिए और हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। सो अच्छा गया पेपर। पहले दिन सारे परीक्षा केंद्रों में जो 51 परीक्षा केंद्रों में 4304 बच्चे हमारे पंजीकृत थे, जिनमें 4233 उपस्थित हुए, अर्थात 71 बच्चे ऐसे थे जो अनुपस्थित रहे। पहला जैसा था ऐसी कोई कहीं से कोई समस्या नहीं हुई, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से किया। और पहले से जो यहाँ केंद्र व्यवस्थाओं की बैठक होने के बाद विद्यालयों में सारे प्रश्न पत्र पहुँच चुके थे, सारी व्यवस्थाएँ हो गई थी, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न हुए। मूवमेंट टीमों का मूवमेंट का आशय यदि फ्लाइंग स्क्वाड से कह रहे हैं तो आप 3 फ्लाइंग स्क्वाड हमारे तो बने और 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट बने हुए जो सभी परीक्षा केंद्रों को देख रहे हैं। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।